बेटा नाम क्या है आपका? अमोल शिवराशेखर। और आपके पापा का क्या नाम है? पापा का नाम शिवराशेखर। वेरी गुड। अच्छा बताइए आप रहते कहाँ हैं? अमोल बताओ बेटा, मैंने सिखाया था ना, और तुम्हें तो याद भी हो गया था, बताओ इन्हें कहाँ रहते हो? अशोकनगर उदयपुर। गुड बॉय। प्लीज संजय जी। अमोल अगर तुम्हें यहाँ एडमिशन मिल गया ना तो तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। देखो कितना सुंदर स्कूल है ये, और इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, और ये यहाँ क्लासरूम्स हैं, और यहाँ होती है कंप्यूटर क्लासेस। अमोल का हमें एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना पड़ेगा, इसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसे किस क्लास में एडमिशन देना है। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट थी, हम नहीं चाहते कि आप अमोल को स्पेशल ट्रीटमेंट दें। हम चाहते हैं कि वो बाकी बच्चों के साथ स्टडी करे, उनके जैसे स्टडी करे, और उसके मार्क्स भी उसी तरह इवैल्यूएट हो। मैं आपका कंसर्न समझती हूँ मिस्टर शेखर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अमोल को हम बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे। थैंक यू मैम। यस मैडम। ये मिस जया राठौर है, ये प्राइमरी सेक्शन की टीचर है। हेलो। हेलो। ही इज अमोल। मैं चाहती हूँ आप इसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेके तुरंत बताएं। ओके मैडम। हेलो अमोल। हेलो। आओ मेरे साथ आओ। नहीं आना दीजिए, उसे अकेले ही जाने दीजिए। ने अपनी पत्नी को अमोल के साथ नहीं जाने दिया, अच्छा किया। अमोल के लिए आपका कंसर्न मैं समझ सकती हूँ मिसेस शेखर, लेकिन आपको उसे थोड़ी आजादी देनी होगी, वरना वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक बात बताइए, अमोल को अडॉप्ट करने का ख्याल कैसे आया आप लोगों को? अमोल को जब पहली बार देखा मैंने, वो अनाथ आश्रम में एक जगह अकेला बैठकर ड्राइंग बना रहा था, जबकि बाकी सारे बच्चे दौड़ रहे थे, खेलकूद रहे थे, हंस रहे थे। उसी पल मैंने डिसाइड कर लिया कि इसे ही मुझे अपना बनाना है, और जब ये बात मैंने शिव को बताई तो इन्होंने पूरी तरह से मेरा साथ दिया। हाँ थोड़ी बहुत परेशानियाँ आईं, लेकिन आखिरकार अमोल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन ही गया, वो भी हमारी शादी की पहली सालगिरह पर। मैडम अमोल एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बच्चा है, आप इसके मार्क्स देखेंगी ना तो हैरान रह जाएंगी। ये लीजिए। वाकई में मुझे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा मार्क्स मिले हैं आपके बेटे को। शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम जैसे होशियार बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन देके मुझे बहुत खुशी होगी। आज से तुम बाल ज्ञानपीठ के स्टूडेंट हो। वेलकम अमोल। आनंदीप आप अमोल के साथ यहीं रुकिए, मैं फॉर्म और फीस सबमिट करके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ शिव, आप जब तक फीस सबमिट करेंगे मैं बुक्स यूनिफॉर्म आई कार्ड वगैरह ले लूंगी। ऑलराइट। आप जरूर जाइए, मैं आपके इधर वेट करता हूँ। लेकिन कहीं मत जाना, यहीं रहना। हम अभी आते हैं।
ये तो अपनी कार स्कूल में लेके आया। मेरी टीचर तो मेरी साइकिल स्कूल में लेने नहीं देती। कार तो A1 है लेकिन इसका इंजन कहाँ है और स्टेयरिंग व्हील भी नहीं है। अरे ये लड़का ही इसका स्टेयरिंग व्हील है और इंजन भी। क्यों रे हीरो? मेरा नाम अमूल शेखर है। आज मेरे स्कूल में एडमिशन हो रहा है। मैं कार भी फीचर है और मैं चल नहीं सकती ना, मेरे पैर खराब है इसलिए। ग्रेट यार, इसे तो क्लास में चेयर की जरूरत ही नहीं, ये तो अपनी चेयर घर से ही लाता है। तू काम कर रहे हो उसे? ए दो छोटी, तू अपना काम करना। रहने दे दिव्या, ये लड़के किसी की सुनते हैं क्या? सबको तंग कर रखा है। चल। और ये बाल देख। अब लग रहा है ना एकदम हीरो। कल मिलेंगे और आज से भी अच्छा वेलकम करेंगे तेरा। ओके। चले बेटा। अरे चाय तैयार हुई कि ना? जे फोटो खींचने वाले को कहीं बुला लियो, कोई खास बात है क्या? मासा वो आपका आधार कार्ड बनवाना है ना, तो उसके लिए बुलाया। और वो तो वहीं पे खींच ले में, जहाँ पे फार्म भर के जमा कराना पड़े। जी दादी साहब, लेकिन स्पेशल केस में फोटोग्राफर को घर पे बुला लेते हैं। क्यों भाई साहब? जी मैं तैयार हूँ। दादी साहब कैमरे में देखिए ना। स्माइल प्लीज। क्या बोला? दादी साहब उसने मुस्कुराने के लिए बोला। कार्ड की फोटो के लिए मुस्कुराना है कि क्या जरूर है? हो गया? हाँ हाँ, अब चाय पड़ाऊँ। दादी साहब दादी साहब आप यहाँ पर हैं, आपका परपोता यहाँ पर है, फोटोग्राफर यहाँ है, क्यों ना आप दोनों की एक अच्छी सी फोटोग्राफ हो जाए? ना ना ना, इतने छोटे बच्चे की फोटो ना खींचनी चाहिए, नजर लग जावे बच्चे को। मासा नजर कैसे लगेगी, रोज तो आप इसकी नजर उतारती हैं, है ना सुमित्रा? हाँ मासा, और फिर मौका मिला है तो निकलवा लीजिए ना एक अच्छी सी फोटो। अरे जल्दी मासा, चाय ठंडी हो रही है। बच्चे का चेहरा ही नहीं दिखेगा तो फोटो किस बात की? पता ही नहीं चल रहा है गोद में कौन है, नंदू, मन्नू, भैरवी या कोई आस पड़ोस का दूसरा बच्चा। दादी साहब आप मत घबराइए, जब तक ये आपकी गोद में है ना, इसे किसी की नजर नहीं लग सकती। तुम लोग भी ठान लो तो पीछे ही पड़ जाओ हमारे। क्या करें मासा, आपसे ही तो सीखा है ना। माँ जी मुस्कुराइए। हेलो, बधाई हो अमोल बेटा, बधाई। इतने शानदार स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो गया है ना, और वो भी इतने अच्छे मार्क्स से। वाह भाई वाह। खाओ भाई खाओ, बधाई खाओ। आनंद जी बेटा, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था, अमोल के लिए यही स्कूल अच्छा रहेगा। स्कूल जाने वाले बच्चे की माँ बन गई हो तुम आनंदी, अब देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी राजधानी की स्पीड से दौड़ेगी। सुबह अमोल को टाइम पे उठाना, उसका बैग पैक करना, उसे तैयार करना, उसे स्कूल छोड़ना, स्कूल से वापस लाना और घर आके होमवर्क कराना, इट्स ए फुल टाइम जॉब। और आई एम श्योर आनंदी इसे अच्छे से हैंडल कर लेगी, और पापा जी ने तो पहले ही इसे परफेक्ट मदर का टाइटल दे रखा है। क्यों? हाँ बिल्कुल। लेकिन भैया
परफेक्ट मदर के भी हाथ तो दो ही होते हैं ना। मेरे ख्याल से अमोल की स्टडीज की जिम्मेदारी सांची को उठा लेनी चाहिए। इतनी क्वालिफाइड तो है ही वो, क्यों भाभी? मैं संभालूंगी छोटे पापा, सांची को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल वो खुद बिजी रहती है, काउंसलिंग सेशंस के लिए जाती है। माँ आज भी वहीं गई है ना सांची? बस अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। बहुत लेट हो गया सौरभ, अब मुझे जाना होगा, वरना घर पे क्या जवाब दूंगी कि इतनी देर कैसे हो गई। अच्छा तो फिर मैं अपने दिल को क्या जवाब दूं कि सांची के साथ इतनी अच्छी शाम बिताने के बाद मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? तो अपने दिल से कहो कि हमेशा के लिए सांची को अपने पास बुला ले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब हम दोनों साथ रहेंगे तो आने जाने या किसी को जवाब देने का झंझट ही खत्म। सी यू देन, बाय। कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? क्या मैं तुम्हें इतना भी नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं? प्लीज सौरभ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज नाराज मत हो ना। ओके बाय। फिर तो कोई ऐसी जगह और ऐसा मौका देखना पड़ेगा सांची जहां कोई देखने वाला ना हो। अमोल, अमोल उठो बेटा, अमोल अमोल उठो, नहीं तो पहले दिन स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आनंदी आप दूसरे काम कर लीजिए, तब तक मैं अमोल को नहला देता हूँ। आनंदी तुमने चाय चढ़ा दी है, मैं बना लूं? चढ़ा दी है माँ, लेकिन आप प्लीज देख लीजिएगा। अच्छा ठीक माँ, अब प्लीज चाय टेस्ट करके देख लीजिएगा ना कि शक्कर डाली या नहीं, शायद डाली तो थी मगर वो। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, तुम जाके अमूल को तैयार करो। हुँ? जी 5 मिनट में चाय लेके आती आज ना मुझे शिव के स्कूल का पहला दिन याद आ रहा है। मुझे भी पापा जी, आनंदी जैसे उसे तैयार करने के लिए इधर से उधर भाग रही है ना, बस यही हाल उस दिन ईरा का था। ईरा का भी वही हाल था। जी भाई ठीक है, कहना वो नामकरण के बाद जो भेंटे देनी है ना सबको, वो आज ही पहुंच जाएंगी। भाई जी का ही फोन था, उनका लड़का लेकर निकल गया है, एक ने 5 भिजवा दिया है, बाकी के कल भिजवा देंगे। अच्छा सुन, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो लड़का जब आए तो मासा ना हो आसपास, वरना भेद खुल जाएगा और सारा मजा ही खराब हो जाएगा। हाँ जी जी, भगवान करे कि इससे पहले मासा अपने कमरे से बाहर आए वो लड़का आ जाए। जल्दी आइए, मेरी बहुत रो रही है। जी जी आप देखना जरा, मैं अभी आती हूँ। माँ दालचीनी कहाँ है, मिल नहीं रही है। तो रुक मैं आती हूँ। हमारा अमोल रेडी हो गया। बेटा आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, खूब पढ़ो लिखो और खूब कामयाब हो। गुड लक अमोल, ऑल द बेस्ट। एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, आज पहले दिन ढेर सारी फ्रेंड्स बना लेना स्कूल में। ओके okay?
अब लग रहा है ना एकदम हीरो। कल मिलेंगे और आज से भी अच्छा वेलकम करेंगे तेरा, ओके? अच्छा नंदी, इसका बैग चेक कर लिया ना? इसके पेंसिल बॉक्स में सब कुछ रख दिया और टिफिन रख दिया ना? और सुनो, इसके किताब कॉपी में कवर लगा दिया ना? जी माँ। अब चलें? अब एक मिनट शिव। अरे क्या रह गया? बस अभी आई दद्दू। अब अमोल पूरी तरह से तैयार है स्कूल जाने के लिए। अरे माखन जी हुकुम। जरा देख तो सही, पार्सल आयो है। ओ छोरा, क्या है इसमें? हैं? कहां से आयो है? जी मासा, लाल चंदन देखा है आपने कहीं? मिल नहीं रहा। ठीक से देख, वही मंदिर में ही है, और कहां जावे वो? अभी सुबह ही पूजा करी मैंने। नहीं मासा, मैंने देखा ठीक से, नहीं मिल रहा। आ हमारे साथ। ये लीजिए भाई जी, आप जाइए। धन्यवाद जी। अरे सुमित्रा, हाँ, अरे क्या है इस डब्बे में? किसने भेजो है? मासा मुझे नहीं पता, जग्या के पापुसा के नाम पर है। मैं रख देती हूँ, वो आएंगे तो खुद ही देख लेंगे। अरे कहाँ जावे? ला इधर दिखा मने, मैं भी तो देखूं क्या मंगाए हो भैरों ने। ला ना। अरे ये तो सही, कैसे हैं? अमोल बेटा, आप जाओ अपनी क्लास में, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद आप जब बाहर आओगे ना तो मैं यहीं मिलूंगी। अच्छे से रहना, और टीचर जो कुछ भी पढ़ाए उसे ध्यान से सुनना। सॉरी। एक बात बताओ अमोल, क्या तुमने सोचा है कि बड़े होकर क्या बनना है? पायलट। अरे वाह, वेरी नाइस। लेकिन तुम जानते हो ना कि पायलट बनने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है? उतनी हिम्मत है तुम में? पता है जब हम प्लेन में जाते हैं ना, ऊपर आसमान में खूब ऊंचाई पर, तो सारी चीजें छोटी छोटी नजर आती हैं। पेड़, गाड़ियां, पहाड़, बिल्डिंग्स, सब चींटी की तरह नजर आते हैं, इतने इतने से। और उसी तरह इंसान भी जब ऊंचाइयों को छू लेता है तो सारी प्रॉब्लम्स, सारे डर बहुत छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि हम उन सबको पार करके ही तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं, है ना? इसलिए बेटा हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखना कि तुम्हें सबसे आगे, सबसे ऊपर पहुंचना है। हाँ, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, तकलीफ मिलेंगी, लेकिन अगर तुम उन सबसे डर गए ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए तुम्हें उन सबका हिम्मत से सामना करना होगा। समझ गए ना कि इंसान जितना ऊपर जाता है उसकी प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी हो जाती है। बिल्कुल सही। चलो आप पायलट बनने की तैयारी अभी से शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट। शारीरिक निर्बलता को इंसान मानसिक सबलता से जीत सकता है। चाहिए उसे प्रेरित करने वाला
उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला।